ये क्वेश्चन लास्ट ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था। टू हमने आपको कहा था कि हमारे पास मेंसुरेशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉलिड्स। कल उसमें भी क्वेश्चन किया था हमने कि कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो निकाला था। इफ द बेस रेडियस एंड हाइट सेम, वो सॉलिड्स पे बेस था और ये क्वेश्चन है प्लेन फिगर्स पे। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 30 मीटर एंड 14 मीटर एंड द डायगनल जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड इज 40 मीटर। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, ये हमें एरिया निकालना है। कोशिश करके मुझे बताइए जरा क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप कर सकते हो क्या? सर, वालेकुम सलाम सर, जी। वालेकुम सलाम। कोशिश करिए बेटे जरा और मुझे बताइए क्या ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगेन जब हमारे पास क्वेश्चन दिया है तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या हमारे पास है क्या नहीं है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है बराबर की साइड, कोई सी भी बराबर की साइड आप ले सकते हैं। पंखा ये है ना बेटे, ये पंखा है। तो एडजेसेंट साइड्स आर 30 एंड 14 एंड द डायगनल जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दी साइड इज 40 मीटर। ये जो साइड्स आपकी जहां पे जॉइन हो रही हैं इज 40 मीटर, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को जो जॉइन कर रहा है, ये हमारे पास 14 मीटर है। तो आपसे क्या कह रहा है कि एरिया निकालिए पैरेललोग्राम का। कोई बताएगा एरिया कैसे निकालेंगे? जी बेटे, कोई बताएगा एरिया कैसे निकालेंगे? सही, ऊपर 40 होगा शायद। जी सर, एरिया निकलेगा टू अच्छा, इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। डायगनल 40 है। जी बेटे क्या कह रहे हो? यस सर, डायगनल ऊपर 40। ठीक है, कर लिया। जी बेटे बताओ कैसे निकालें। कल जो हमने बताया था उसी पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है हम उससे कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमें मालूम है वो हमें मालूम है बेस इनटू हाइट। तो अगर आप उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा था और नाइन्थ के उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, नाइन्थ एनसीईआरटी में। आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो सीधा सीधा सा 168 मीटर स्क्वायर है। वेरी गुड बेटे, जो पैरेललोग्राम होगा वो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। हम सीधा सीधा सा क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, इस ट्राइंगल का, और उसका डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, बेटे माइक म्यूट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला में जो हमारा एस आएगा, इस ट्राइंगल का जो एस आएगा वो बहुत इजीली निकाल लीजिए, जितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं कर लीजिए। 40 + 30 = 70, 70 + 14 = 84, तो 84/2
तो 84/2 42 होता है. और फिर जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे अंडर रूट एस. अंडर रूट एस जो होगा वो 42 ही होगा. एस माइनस ए, 42 माइनस 40 कर दीजिए, ठीक है, तो 2 आ जाएगा. और 42 माइनस 30 कर दीजिए तो 12 आ जाएगा. और 42 माइनस 14 कर दीजिए तो 28 आ जाएगा. जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा. अब इसका अंडर रूट निकालना है कि अंडर रूट हम कैसे करेंगे. चलिए देखते हैं. तो अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 × 7, क्योंकि हमें यही करना पड़ेगा. जो जो पेयर्स बना सकते हो आप, 12 को आप करेंगे 6 × 2 और 28 को आप करेंगे 7 × 4. तब आपके पास पेयर्स कौन कौन से हो गए, पेयर हो गया है 6 का, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा 6, फिर पेयर हो गया है 7 का, तो 7 भी आउटसाइड आ जाएगा. फिर आपके पास पेयर हो गया है 2 का, तो 2 भी आउटसाइड आ जाएगा. और फिर आपके पास रह गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है. तो ये आपका आंसर है. तो 2 × 4, ठीक है, आपके पास 4 × 7 = 28, 28 × 6, तो फाइनली (168 meters square) हमारा आंसर. नोट करिए इसे. सर इसे फॉर्मूला से करना चाहते तो हो जाता. कौन सा फॉर्मूला? हाइट कहाँ से निकालेंगे? हाइट कहाँ से निकालेंगे? और अगर हाइट निकालना होगा तब भी एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो उसका डबल करना आसान है या पहले हाइट निकालूं फिर पैरेलल साइड निकालूं फिर वो करूं? अच्छा सर,